दौसा के बांदीकुई में एक बार फिर एटीएम लूट की वारदात सामने आई है। रात के समय कुछ बदमाश चौपहिया वाहन में सवार होकर बांदीकुई के बड़ियाल रोड पर पहुंचे और एटीएम मशीन को कटर से काट दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने सीसीटीवी पर ब्लैक स्प्रे भी छिड़क दिया, जिसके कारण फुटेज भी नहीं आ सके। इस घटनाक्रम में आरोपी एटीएम में रखे कैश को लेकर फरार हो गए। जैसे ही पड़ोसियों को जाग हुई तो पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने नाकेबंदी कराई और एटीएम के लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि एटीएम में करीब 70,000 रूपए की नकदी थी और यह एटीएम एक निजी कंपनी का है और रात के समय एटीएम का संचालक इसे बंद करके गया था शटर को, जब रात को करीब 1:30 बजे यह घटनाक्रम हुआ है। फिलहाल बांदीकुई थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश कर रही है। पूर्व में भी दौसा जिले में अनेक वारदातें हो चुकी हैं। क्या घटना थी सर? मेरा एटीएम रात को मतलब 8-9 बजे बंद करके घर चला गया था, उसके बाद में रोबी हुई है। कितने रुपए ले गए उसमें? 70,000 की समथिंग ले गए सर।